engine jo should you try thi wo kam milti hai. That is a matter of, you know, research. What is Sanjeevani? Hai? Sanjeevani. Welcome friends, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा. आज मेरे साथ मनिका जी हैं. डॉक्टर मनिका जी, शी इज अ इकोलॉजिस्ट. तो मनिका जी, इकोलॉजिस्ट क्या होता है पहले ये बता दीजिए. इट्स आई एम अ प्लांट कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट बेसिकली. तो इंडियन ऑडियंस को कैसे पता चलेगा? मैं मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को कंजर्व करने का काम करती हूं इन द फील्ड्स, इन द फॉरेस्ट बेसिकली. सो पतंजलि को जब दवाइयों के लिए औषधियां चाहिए होती हैं तो वो आप लोग बताते हैं कि कहाँ से पिक करें? बेसिकली हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो उन्हें उगाएं, मगर हाँ, फॉरेजिंग, फॉरेस्ट से कलेक्ट करना. तो मनिका जी मेरे पास आज फर्स्ट टाइम आई हैं. मनिका जी की काफ़ी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसा आपने सुना कि इनको जंगल्स में, ट्रेन्स में अप डाउन करना पड़ता होगा. मैं राइट? या राइट, ट्रू. एंड हाउ लॉन्ग योर फील्ड वर्क गोस ऑन, कितने दिन तक जाना? एक्चुअली इफ आई स्टे इन द फॉरेस्ट तो मैं एक एक महीने भी फॉरेस्ट में रहती हूँ. सो इट स्ट्रेन्स अ लॉट माय बैक बेसिकली. या वी कैरी आवर बैकपैक्स और समथिंग. सो इट्स बीन 10 years. 10 years. 10 to 12. सो इस 10 years में आपने अपने बॉडी के अंदर कोई डिटरियरेशन देखा या आपकी एक्टिव लाइफ की वजह से सेम रहा? I'm just trying to understand his profession as a. The thing is, it's not on a regular basis basically. कि हमें हर पूरे time नहीं travel करना होता है. So during that period, you know, we don't get that kind of bed what we used to get in the, you know, our homes basically. So tents में रहना भी. Yeah, all kind of situations are there. So yes, it gives, you know, kind of mentally it's very liberating, no doubt. मगर हाँ, बॉडी पे थोड़ा सा इफेक्ट आता ही है. हाँ, क्योंकि शोल्डर पैड्स और बैक पैक्स कैरी करने के लिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद योर. अब मैं इनकी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके ये जो शेप है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, मसल्स काफ़ी लॉस हो चुके हैं और गर्दन या ईयर का शोल्डर से लेवल देखेंगे काफ़ी आगे जा चुका है, चेन काफ़ी फॉरवर्ड मूव कर चुकी है. ये सारे साइंस हैं कि आप आगे की तरफ बेंड कर रहे हो. इस बेंडिंग की वजह से ही आपकी लोअर बैक, शोल्डर्स, हर जगह स्ट्रेस आना चालू हो रहा है. तो उसको कम करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस भी करना पड़ेगा. सिर्फ थेरेपी सफिशिएंट नहीं होता है, आप किसी न किसी तरह से अपने शोल्डर्स को इन्वॉल्व करने वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हाथ चलाते रहें, पूरे सर्कल्स बनाते रहें, चेस्ट को पीछे खोलने वाली एक्सरसाइज करते रहें, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप हाथ को स्प्रेड कर सकते हैं. तो जब शोल्डर्स आगे जाते हैं तो ये भी समझिए कि आपके जो चेस्ट का जो डायमीटर है वो भी कम होना चालू हो जाता है, तो वो लंग्स को भी कंप्रेस करना चालू कर देते हैं, तो ओवरऑल पोस्चर डिस्टर्ब होता है. अभी तक हमने इनके लिए कपिंग की है, नीडलिंग की है, एडजस्टमेंट करने वाला हूँ ताकि मुझे कम्प्लीटली पता चल सके कि क्या स्टेटस है इनकी स्पाइन का, क्या दिक्कत है. बट मुझे इनकी नेक में ज़्यादा इशू या जो स्ट्रेस लेके आई थी वो नहीं है, जो कि कान से और शोल्डर के बीच में कहीं पे कोई मसल स्प्रेन हुई थी. बट जो प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे लग रही है वो लोअर बैक के आसपास ही है. लेकिन अब मैं अपर बैक को देख रहा हूँ, उससे पहले जरा हील्स को देख लूँ. हाँ, हील्स मोर ओर लेस सेम लेवल पे हैं, देख सकते हैं. हाँ, हील्स में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पोस्चरल इम्बैलेंसेस नहीं है. अगर कोई भी पोस्चरल इम्बैलेंस होता तो ही आगे या पीछे मिलती कि एक टांग पे ज़्यादा वेट डालते हैं, तो वो नहीं है. सो और जैसे मैं ये सैक्रोइलिक जॉइंट को देख फील कर रहा हूँ तो इसमें मुझे फील हो रहा है कि ये राइट सैक्रोइलिक जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ज़्यादा कहीं ना कहीं इस मसल पे टेंशन रहती है. और जैसे ही मैं राइट सैक्रोइलिक जॉइंट से ऊपर की तरफ ये जाता हूँ, ये फील कर रहा हूँ कि ये राइट ज़्यादा टाइट है कंपेयर टू दी लेफ्ट. और इनको पेन शायद लेफ्ट में होता होगा क्योंकि हल्की सी झुकावट लेफ्ट की तरफ है कंपेयर टू द राइट. तो मैं पहले राइट की साइड को ही खोलूँगा. ईजी करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे. और ब्रीद आउट करेंगे. राइट बहुत अच्छे से खुल गया है. अब मैं लेफ्ट साइड को कोशिश करूँगा कि ये भी खुल जाए ईजी. ये ज़्यादा टाइट लग रहा है मुझे, जबकि टाइट ये था. ईजी. अब ये भी बहुत अच्छे से खुल गया है. अदर लेग स्ट्रेट डाउन एंड बेंड दिस नी, नॉट द अदर वन.
Now push your shoulder back, breathe out. Nicely, lower back has opened up, other side. Easy, this side is more tight. Straight. Yeah. Now, as left is your neck. Let me see that. Easy. Oh God. Easy. And to so. It's better, I suppose. You know, I don't know, I can't describe it basically right now, but this feels fine. I had a pain here, but this feels fine, really. The rest of the thing I'll get to know further. Yeah, of course. Yes. So, humne baki jo bhi therapy ki hai, uska best result inko 24 ghante mein ya next morning mein nazar aayega. And जो हमने एडजस्टमेंट किया है वो इनको जैसे ही ये वॉक करेंगी घर तक पहुंचेंगी और ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट फील होगा. तो मनिका जी एक लास्ट वर्ड बोल दीजिए. थैंक यू रियली, थैंक यू डॉक्टर जी. तो द थिंग इज आई होप इट गेट्स हील्ड, जो कि मुझको फील हो रहा है कि होना चाहिए. सो डिड आई डू द गुड जॉब एक्सप्लेनिंग योर प्रॉब्लम्स? एग्जैक्टली. I had my queries, of course, I had a lot of them, I suppose, but you did do well. Thank you. So, final words for you from my end is, you don't suffer with such koi, you know, major issue. Okay. You definitely suffer with a little slight imbalance. Exercises should help you out. Little more therapies to open up your middle back, which is tighter than compared to any of your neck or lower back. So, all the stress is in the middle back, which is causing you all these discomfort. सो आप सबको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड लेट अस नो व्हाट इज़ योर यू नो कमेंट्स, यू नो, सो वी कैन आंसर देम. थैंक यू.